दोस्तों, क्या आपके चैनल पर भी डराने वाली वो मेल आई है जो कि जिसमें बताया गया है कि 10 दिसंबर से आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर ने डरा दिया है लोगों को, कि मतलब वो देख कर मैं खुद दंग रह गया, और जब मैंने देखा, इस पर रिसर्च किया, तो कुछ और ही निकला। क्या निकला, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, 10 दिसंबर को YouTube कुछ पॉलिसीज अपनी एक्सपेंड कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, और पॉलिसीज टाइम टाइम पर YouTube अपना बढ़ाता गया है। अगर आप YouTube स्टार्टिंग से देखें तो बहुत सी चीजें चेंज करते 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 अब कुछ और चेंज करने वाला है, जो कि 10 दिसंबर को YouTube ये पॉलिसी चेंज कर देगा। तो इसी से रिलेटेड आपके मेल पर भी YouTube ने एक मेल किया हुआ है और बताया है कि हम ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी खर्रा है, एक मतलब PDF का, और उस PDF को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप पगला जाएंगे, एकदम पागल टाइप के हो जाएंगे। तो उसको पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, आप अपने काम से रिलेटेड पढ़ लीजिए। उसमें एक चीज थी जो कि एक पॉइंट में बताया गया था कि मतलब आपके चैनल को हम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वीडियो से हमें कोई फायदा अगर होता नहीं है तो, अगर आपके वीडियो से हमें फायदा नहीं होता है तभी हम बंद करेंगे। और फायदा जब होगा YouTube को, जब आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा, और आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर की ये होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपने पार कर ली, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके चैनल पर ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आपके चैनल पर ऐड आएगा तो आपके जो ऐड का रेट है, जो पैसे मिलेंगे आपको, 55% आपको मिलते हैं, 45% यूट्यूब कमाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप समझ जाइएगा, जो चीज़ें यूट्यूब ने साफ साफ बताई हुई है वो आपको मैं बता रहा हूँ, कि यूट्यूब ने ये बताया है कि आपका चैनल किसी तरीके से मोनेटाइज ऑन कर दिया आपने, ठीक है, और आपके चैनल पर ऐड नहीं आ रहा है तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। आपका चैनल जो कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं बनाते हैं आप, इसलिए हम आपके चैनल को बंद कर रहे हैं, इस पर आपके कोई ऐड नहीं आ रहा है, हम अपनी हार्ड डिस्क नहीं भरेंगे, यूट्यूब ये कहता है, हम अपने इम्प्लॉयज का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपकी वीडियोज के देख रेख में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं आप ये चीजें गलती कर रहे हैं, आपके पास एक मेल आएगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं दोस्तों, कि जब भी आपके चैनल को टर्मिनेट किया जाएगा उसके पहले आपको मेल की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपने गलती क्या किया है, और आप अगर सुधार करते हैं अपने गलती में तभी हम आपके चैनल को बंद करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्रेंडली एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, और अगर आप कर रहे हैं काम क्या कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अब आपको यहां मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियोज बनाते हैं, अपनी वीडियोज में आप कोई शिक्षा देते हैं, किसी को कुछ जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप निश्चिंत होकर हमेशा वीडियो बनाते रहें, आपको कभी कोई दिक्कत यूट्यूब पहुंचा ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में यूट्यूब भी बढ़ावा देता है लोगों को, कि आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आप कुछ प्रोवाइड करवाइए लोगों को, कुछ शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे तो हम आपको प्रमोट करेंगे, यूट्यूब खुद ये कहता है। तो आप अगर कुछ प्रोवाइड कराते हैं, अच्छी जानकारियां देते हैं, भले ही आपके चैनल पर थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको YouTube कभी बंद नहीं करेगा, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया हो या नहीं हुआ हो। अब तीसरी बात, बहुत लोग ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ऐसे ही हवाबाजी हो रही है, पहले आप जान लीजिए, कि कहते हैं 10 दिसंबर के बाद से चैनल क्रिएट नहीं होगा। भैया, 10 दिसंबर के बाद से चैनल क्यों नहीं क्रिएट होगा, YouTube आगे नहीं बढ़ना चाहेगा क्या? YouTube को अगर आगे बढ़ना होगा, YouTube आपके वीडियो से ही तो पैसे कमा रहा है, YouTube हमारी वीडियो से ही तो पैसे कमाएगा, तो अगर YouTube को पैसे कमाना है तो चैनल तो क्रिएट करना स्टार्ट रखना ही है उसे। चैनल क्रिएट होंगे 10 दिसंबर के बाद से भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पॉलिसीज इंडिया में अब लगने वाली है, ये पॉलिसीज पहले दूसरे कंट्रीज में लगी हुई है, और उस कंट्रीज में अच्छा काम हो रहा है। इस रूल से एक बेनिफिट ये होगा आपको भी, हमको भी, और देखने वालों को भी, फेक न्यूज नहीं आएगी। फेक न्यूज का मतलब यह हुआ वल्गरिटी नहीं आएगी। लोग जो गंदे वीडियोज अपलोड कर देते हैं, भरे बैठे रहते हैं, कितनी वीडियोज रखी हुई है उनके चैनल पर, कोई एक भी एड नहीं आता है और कोई उनकी वीडियो ज्यादा देखता नहीं है, ऐसी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहती है, कोई एक्टिव नहीं है उस वीडियोज पर, वो सारी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। अगर आपकी वीडियोज लोग देख रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मोनेटाइज नहीं हुआ है
तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्राइटेरिया पार करिए और अप्लाई करिए यूट्यूब को, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। चाहे आपके 1000 सब्सक्राइबर हों या 200 हों या 500 हो, अगर आप काम करने की इच्छा रखते हैं, अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाने की इच्छा रखते हैं किसी को, तो दिल खोल के आप काम करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई है, आपका अपना सुझाव क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगा मैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।